कलंगुट कोंडोलिम के बीच में एक ऐसी 4-स्टार प्रॉपर्टी जहां पर आपको जो है टब बाथ मिल रहा है, रेस्टोरेंट एरिया, बार एरिया, बहुत सारी अच्छी एमिनिटीज के साथ आप जो है यहाँ पर रह सकते हो। कपल्स के लिए मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी। उसके साथ साथ गोवा की जो प्रिस्टाइन बीचेस है, रिच हिस्ट्री है और जो वाइब्रेंट मार्केट है, आप उसे भी कवर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को आखिर तक देखते हैं। सो गाइस, आज जो प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं, ये प्रॉपर्टी बीच से बस 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। यहाँ से आप सारे के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स करने वाले हो। ये एक लग्जरी प्रॉपर्टी है जहाँ पर हर एक रूम में जो है टब बाथ है। ये मैं प्रॉपर्टी रेकमेंड करने वाली हूँ कपल्स के लिए जो कि हनीमून के लिए गोवा आ रहे होंगे। अगर आप अपना स्टे गोवा में आने के बाद लग्जरी करना चाहते हो तो ये सच में बहुत ही बड़ी ऑप्शन है। यहाँ से आप जो है कोंडोलिम या फिर बागा के लिए भी जा सकते हो क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कलंगुट में। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है गॉडविन रिसोर्ट। बहुत ही अच्छा एरिया है, मेन रोड टच ये प्रॉपर्टी है। सो आपको अंदर कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं और यहाँ से आप अगर स्ट्रेट मेन रोड से जाते हो तो आपको जो है मेन मार्केट एरिया मिलेगा जहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट या फिर कैफेज या फिर शॉपिंग सेंटर मिलेगा। मतलब आप सोच ही सकते हो कितनी अच्छी प्राइम लोकेशन पर ये जगह है। उसके बाद जो है यहाँ पर इन हाउस इनके बहुत सारी अच्छी एमिनिटीज़ है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, फुल स्पीड वाईफाई है, पावर बैकअप है और यहाँ का रेस्टोरेंट भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ मीनल और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और मैं ऐसे गोवा में बहुत सारे जो रिसॉर्ट्स होते हैं, लग्जरी हो या फिर बजट या फिर आपको हॉस्टल चाहिए हो या फिर गोवा की आइटनरी, सारे के सारे वीडियोज़ में जो है बनाते रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आप यहाँ पर बाय कार इजीली आ सकते हो और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो है नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो तिहिम है, नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है मोपा है और यहाँ पर आने के लिए आपको नियरेस्ट बस स्टॉप जो है वो आपको जो है कलंगुट का ही लगने वाला है। रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है और आसपास आपको जो है मेन मार्केट मिलने वाला है तो आप जो है एक्सप्लोर भी कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको रिसोर्ट दिखाती हूँ। सो गाइस, ये है कलंगुट और बागा का, नहीं, कोंडोलिम और कलंगुट का मेन रोड और यहाँ पर ये है हमारा रिसोर्ट और यहाँ पर जो है आपकी कार पार्किंग जो है इसी के अंदर है। ये साइड से आपको जो है गेट है अंदर की ओर कार पार्किंग के लिए, जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ जो है पार्क कर सकते हैं। ब्यूटीफुल फाउंटेंस लगाए गए हैं सामने की तरफ। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं रिसेप्शन एरिया की तरफ और काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया और यहाँ पर इन लोगों ने जो है बाहर की तरफ भी सिटिंग दी गई है। अंदर की ओर जो रेस्टोरेंट एरिया है उसका जो आउटडोर जो है सिटिंग एरिया भी है। और ये है हमारा आगे की तरफ का मेन रोड का व्यू, ये है पार्किंग स्पेस। और चलिए मैं भी आपको अंदर की ओर लेके जाती हूँ। सो गाइस, ये है लॉन्च एरिया। लॉन्च एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छी सिटिंग है यहाँ पर बैठने के लिए। हमारा रिसेप्शन एरिया जो है वहाँ पर है और यहाँ पर है हम लोगों का बार एरिया। मॉकटेल्स जो है आपको यहाँ पर सर्व किए जाते हैं और उसी के साथ साथ आप देख सकते हो ये साइड पर है हमारा रेस्टोरेंट एरिया। सो यहाँ पर आपका जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट रहता है, जो आपके पैकेज में इंक्लूड रहता है, वो आपको जो है यहीं पर सर्व किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी सेटिंग है रेस्टोरेंट एरिया में और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जो है बाहर की तरफ भी सिटिंग एरिया है, अंदर की ओर भी जो है सिटिंग एरिया है। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है और यहाँ पर आपको वेज नॉन वेज ऐसे दोनों भी फूड जो है वो मिलने वाले हैं। और ये रहा बाहर का सिटिंग एरिया जिससे आप यहाँ से अंदर की ओर से भी जो है बाहर जा सकते हैं। अभी तो बारिश हो रही है लेकिन आप देख सकते हो ये है यहाँ का रेस्टोरेंट।
सो गाइस मैं अभी आपको जो है यहाँ का मेनू कार्ड जो है दिखा देती हूँ। गोल्डन ग्लोरी रेस्टोरेंट का नाम है। सो यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वेज नॉन वेज ऐसे दोनों भी फूड जो है यहाँ पर सर्व किए जाते हैं। सो यहाँ पर आपका जो ब्रेकफास्ट टाइमिंग है सुबह 8 से 10:30 बजे का है और इस रेस्टोरेंट में आपको 24 आवर फुल सर्विस दी जाती है। मतलब आपको रात को कभी भी फूड चाहिए होगा तो वो भी आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट है सो इसमें आपको जो है लंच डिनर भी अवेलेबल है जिसमें आपको सैलड है, शेफ्स रिकमेंडेशन, तंदूरी स्टफ, मशरूम, चिकन टिक्का, बटर मसाला, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। उसके बाद सीजलर है और यहाँ पर ऑल डे डाइनिंग में आपको पापड़ और प्लेन राइस, खिचड़ी, दाल तड़का, पनीर मखानी, मतलब आपको अगर पूरे 24 घंटे में ये जो बेसिक आइटम्स जो है वो आपको जो है यहाँ पर सर्व किए जाते हैं। और उसके बाद ये है तंदूरी स्टार्टर, तो यहाँ पर जो है तंदूरी बेबी कॉर्न, हरा भरा कबाब, पनीर टिक्का, ऐसे सारे ऑप्शन अवेलेबल है। उसके साथ चिकन टिक्का, चिकन मलाई टिक्का, ये भी यहाँ पर ऑप्शन है। इसकी जो प्राइस रेंज है वो मिडल रेंज की है, ना ज़्यादा बहुत कॉस्टली है ना बहुत सस्ता है। सो इसके बाद लज्जत हंडी, मतलब आपको जो मेन कोर्स है उसमें आपको पिंडी, चना मसाला, मलाई कोफ्ता, जो पनीर लावादार और चिकन दो प्याज़ा, ये सारे जो है ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर फिश भी है, प्रॉन्स भी मिल जाते हैं और यहाँ पर कॉन्टिनेंटल और ओरिएंटल क्यूजीन जो है वो सर्व किया जाता है, वेजिटेरियन में, नॉन वेजिटेरियन में। तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इंडियन ब्रेड्स मीन्स तंदूरी रोटी, तवा रोटी, नान, ये सब कुछ आपको सर्व किए जाते हैं। पुलाव, बिरयानी भी है यहाँ पर और यहाँ पर आपको राइस नूडल्स डेजर्ट में भी ऑप्शन है। तो ये है यहाँ का मेनू, काफ़ी अच्छा मेनू है और यहाँ का जो फूड है काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आपको जो है सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा और ऑल डे डाइनिंग होता है ना, मतलब रात को कभी भी भूख लगती है तो कुछ भी मंगाने के लिए ये सच में बहुत बेस्ट है। इनका डाइनिंग बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ इनके पास जो है पेस्ट्री शॉप भी है। अगर आप आज अगर कोई बर्थडे विटे होगा तो आप यहाँ पर से जो है स्वीट्स मंगाने होंगे तो यहाँ पर से मंगवा सकते हो। तो चलिए मैं आपको रूम दिखा देती हूँ अभी। सो गाइस मैं अभी आपको जो है एग्जीक्यूटिव रूम जो है वो शो करने वाली हूँ। सो ये देखिए, ये है ये रूम और यहाँ पर जैसे हम लोग एंटर कर देते हैं हम लोग को किंग साइज बेड दिखाई पड़ेगा। साइड टेबल है, ब्यूटीफुल लैम्प्स है, उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे राइट साइड पर आपको जो है वार्डरोब दिया गया है। काफ़ी बड़ा वार्डरोब है जिसमें आपका लगेज जो है वो काफ़ी आने वाला है। हैंगर्स है, लॉकर्स है और काफ़ी स्पेस है यहाँ पर। उसके बाद जो है ये रहा बेड और बेड के सामने जो है टीवी है, यहाँ पर फुल स्पीड वाईफाई है और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आपको कुछ वर्क करना होगा तो टेबल चेयर दिया गया है। यहाँ पर केटल है जहाँ पर अगर आपको अपनी कॉफ़ी पीनी होगी तो वो भी आप पी सकते हो। पाउचेस है, उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल और यहाँ पर एक सामने की तरफ काउच दिया गया है और यहाँ पर आपको जो है एक बालकनी भी मिलती है। सो ये है यहाँ की बालकनी और यहाँ से आपको जो है बैठ कर जो है व्यू एंजॉय करते हुए आप अपनी जो है कॉफ़ी पी सकते हो। छोटी सी बालकनी है और ये है यहाँ का वॉशरूम एरिया। सो यहाँ पर आपको जो है शॉवर एरिया और जो है टब बाथ मिल रहा है ना बेहतरीन। सो आपको ये जो है बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है एग्जीक्यूटिव रूम में और रूम भी जो है काफ़ी बड़ा है। वैसे यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव रूम और जो स्टैंडर्ड रूम है उसका इंटीरियर सेम है, बस साइज़ का डिफरेंस है। तो मैंने स्वीट रूम है जो वो दिखा नहीं सकती लेकिन ये रूम से आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पर जो है मिनी फ्रिज भी मिल रहा है, अगर आप अपनी जो कोल्ड ड्रिंक्स या फिर कुछ भी होगा तो आप यहाँ पर रख कर जो है वो पी सकते हो, है ना अमेजिंग। सो ये रहा फ्रिज। सो बेस्ट है ना, रूम तो काफ़ी बड़ी और क्लीन और बेस्ट है। रूम की साइज़ जो है 180 स्क्वायर फीट की है और यहाँ पर मैक्सिमम 3 पीपल जो है रह सकते हैं। बहुत अच्छी रूम है। इसके बाद हम लोग जो है जो रिसोर्ट के बैक साइड पर हमारा जो गार्डन एरिया है और पूल एरिया है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ।
बहुत ही फैंटेस्टिक प्लेस है और रिफ्रेशिंग फील होता है, रिलैक्सेशन तो आपको यूं ही मिल जाती है इतनी ग्रीनरी देख के। मैं आपको जो है वो अभी प्लेस दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छी है। तो मैं अभी आपको जो है यहाँ का स्विमिंग पूल एरिया दिखाने वाली हूँ और गार्डन एरिया और स्विमिंग पूल एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा है। सो आप ये देखो, सो ये है स्विमिंग पूल एरिया और यहाँ पर किड्स पूल एरिया भी अवेलेबल है। इसके सामने की ओर जो है इन लोगों ने जो है सन बेंचेस रखे गए हैं और जो है टेबल्स भी है जहाँ पर आप अपनी अगर कुछ भी ब्रेकफास्ट करना चाहते हो, कॉफ़ी एंजॉय करना चाहते हो, मील एंजॉय करना चाहते हो, ड्रिंक एंजॉय करना चाहते हो तो वो भी आप जो है कर सकते हो। इसके अलावा जो है यहाँ पर स्विमिंग पूल के बैक साइड पर भी जो है इन लोगों ने काफ़ी बड़ा लॉन एरिया दिया है जहाँ पर आप घूम सकते हो, है ना बेहतरीन। तो यहाँ पर जो सिटिंग एरिया है बहुत ही अच्छा है, बहुत शांत प्लेस है और आपका वेकेशन अच्छे से मनाने के लिए यहाँ पर ज़रूर आ सकते हो। पूल काफ़ी बड़ा है, आप और अपने बच्चे के साथ जो है एंजॉय कर सकते हो या फिर आप भी जो है यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। अच्छी खासी अरेंजमेंट है यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा ही ये जो स्विमिंग पूल एरिया है जैसे कि मेन जो रिसोर्ट है उसके बैक साइड पर है और यहाँ पर ब्यूटीफुल सिटिंग एरिया और वहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ पर है शॉवर एरिया और वहाँ पर है चेंजिंग रूम्स, लेडीज़ और जेंट्स की जो है अलग अलग चेंजिंग रूम्स है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्विमिंग पूल का। यहाँ पर आपको जो कंफर्ट मिलेगा ना स्टे करने में और आपको जो मेमोरी क्रिएट होने वाली है वो सच में बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आपको यहीं से बाहर जैसे ही निकलते हो आपको अगर रेंट पर कार या फिर बाइक चाहिए होगी तो वो भी सर्विस जो है यहाँ पर अवेलेबल है। सो जो कोंडोलेम, कलंगुट और बागा है बहुत रश रहता है यहाँ पर। यहाँ पर जो रिसॉर्ट्स भी हैं वो बहुत बड़े बड़े नहीं होते और यहाँ पर जो है आपको एक तो आपको बहुत सर्विस अच्छी मिल रही है, रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक गार्डन एरिया भी मिल रहा है बैक साइड पर जहाँ पर बहुत बड़ा स्विमिंग पूल एरिया ही है। ये तो नॉर्मली क्या होता है जगह कम होने की वजह से स्विमिंग पूल एरिया और बाकी की सारी जो स्पेस है वो बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन ये ज़रूर यहाँ पर मैं सजेस्ट करने वाली हूँ अगर आप आ रहे होगे और आपको अगर कोंडोलेम, कलंगुट और बागा ऐसे प्राइम लोकेशंस पर हर कहीं पर जाना होगा तो ये जो रिसॉर्ट है ये सच में बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आप एक चीज नोट कीजिएगा कि ये एक ऐसे अच्छे लोकेशन पर है कि जहाँ से आप 2-4-5 किलोमीटर के दायरे में जब जाते हो तो आपको जो है यहाँ पर लैंड कैसीनो मिलने वाले हैं जहाँ पर आपको जो है लोकल ब्रांड्स या फिर ब्रांडेड यहाँ पर है जैसे कि डेल्टिन हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्रांड के, और मेन जो शॉपिंग सेंटर है वो यहीं पर है। सो आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हो, यहाँ पर जो है फैंसी कैफेज़ भी बहुत सारे हैं जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, रेस्टोरेंट भी है, बीच के ऊपर जा सकते हो, यहाँ पर स्विमिंग कर सकते हो, वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो या फिर रिलैक्स कर सकते हो। यहाँ पर रात को जो माहौल हो जाता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद आप जो है क्लब्स भी जा सकते हो क्योंकि कलंगुट बागा में बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स हैं, आप वहाँ जा सकते हो या फिर आप जो है कलंगुट या फिर कोंडोलेम में जो है बीच शैक्स होते हैं वहाँ पर जा सकते हो, वहाँ पर जो है टेस्टी फूड इंजॉय कर सकते हो, ओपन जो है पार्टी होती है वो भी इंजॉय कर सकते हो, ड्रिंक भी इंजॉय करते हो। सो गाइस कैसा लगा आपको, ऑप्शंस बहुत ही अच्छा है ना। तो यहाँ पर आप ज़रूर स्टे करने के लिए आए और मेन रोड पर है और चेक इन इसका 1 बजे का है, चेकआउट 12 बजे का है। मील आपको ऑल डे मील भी मिलता है, वेज नॉन वेज दोनों भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। पास ही में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और ये सब कुछ मिल जाएगा। सर्विस बेस्ट है, फूड यहाँ का बेस्ट है, आप गूगल पे रिव्यू भी पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छे ही मिलने वाले हैं। रूम्स की बात करें ना तो सच में लग्जरी जो है बहुत ही अच्छे रूम्स है, हॉस्पिटलिटी है यहाँ की और रेकमेंड करने जैसे है क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि ऐसे बहुत कम जो है रिसॉर्ट्स होते हैं जो मेन जगह पर होते हैं और जिनकी सर्विस भी बहुत अच्छी होती है। सो प्राइस वाइज भी जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसकी जो प्राइजेस है वो सीजनल वाइज जो है चेंज होते रहते हैं,
तो इसके लिए आप जो है कॉन्टैक्ट करके आइएगा, और अगेन आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। सो जो मैंने एग्जीक्यूटिव व्यू आपको जो दिखाई है उसके जो चार्जेस है वो है 7,000 rupees फॉर कपल, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट और जो टैक्सेस है वो इंक्लूड है। और अभी तो अक्टूबर मंथ चल रहा है और बारिश अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन ये भी माहौल गोवा का बहुत ही बढ़िया है। आई होप आपको मेरा जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।